कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और ऐसे में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। लगभग 164 विधायकों ने हस्ताक्षर करके अविश्वास प्रस्ताव लाया था और अब विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और अब उस कुर्सी पर नरेंद्र नारायण यादव बैठेंगे। देखिए, विजय सिन्हा ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, क्या कुछ विजय सिन्हा कहे थे जरा सुनिए। कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं और 2 बजे दिन में सदन पुनः प्रारंभ होगा और सदन स्थगित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप इससे कबल की स्थगित करें, आप ये संवैधानिक परंपरा के विरुद्ध कर रहे हैं। चूंकि उपाध्यक्ष हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है, हमारी नियमावली में इसको नहीं बदल सकते। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अंदर मौजूद हैं, तमाम जितने महागठबंधन के विधायक हैं वो मौजूद हैं और ऐसे में विजय सिन्हा का ये कहना कि अब वो इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं, काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही हैं, नैतिकता की बात कही है और जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इसका भी जिक्र किया है, लेकिन अब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। आज जब पद पर बैठने की बारी थी तो इस बात पर संशय थी कि क्या महेश्वर हजारी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं वो बैठेंगे या कोई और बैठेगा, लेकिन नरेंद्र नारायण यादव को बैठाया गया है, अधिकृत किया है। विजय सिन्हा ने इस्तीफा देने से पहले क्या कुछ कह रहे थे हमने आपको सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।